Oh shit, motion ही नहीं हो रहा. रुक रुक और rolling होने रहा. Okay. तो आज है 26th of May और अभी काफी लेट हो चुका है दिन में. मैं आज 11 बजे उठी यार और मुझे भी लग रहा है कि काफी लेट है 11 बजे क्योंकि आपका पूरा दिन निकल चुका है. एंड जब भी मैं ऐसे लेट उठती हूँ मुझे बुरा लगता है ना तो मैं सेल्फ लोदिंग मोड में चली जाती हूँ. सेल्फ लोदिंग समझते हैं मतलब खुद को कोसने की हैबिट. एंड ये एक बहुत अच्छी हैबिट तो नहीं होती पर अभी भी मैं बैठ के सोच रही थी कि क्या मैं ये ब्रेकफास्ट डिजर्व भी करती हूँ कि मैं इतनी लेट उठी हूँ आज. बट बहुत हो गया यार ये क्वारंटीन के चक्कर में लेट उठना, दिन में कुछ प्रोडक्टिव नहीं करना. तो आज मैं सोच रही हूँ कि इस हैबिट को हम बदलेंगे और कुछ प्रोडक्टिव करेंगे. तो आज हमारे दिन का पहला टास्क है कि हमें ये घड़ी को अपडेट करना है. ये एक्चुअली फिटबिट वर्सा 2 है और मुझसे बहुत सारे लोग पिछले व्लॉग में भी पूछ रहे थे कि मैं इस घड़ी को पहन के क्यों सोती हूँ. एंड दैट इज बिकॉज मैं इस मामले में थोड़ी सी वियर्ड हूँ कि मुझे चीज़ों को मेजर करना अच्छा लगता है. ये मेरी स्लीप साइकिल को मेजर करती है और मुझे पता चलता है कि मेरी स्लीप अच्छी थी कि नहीं, कितने घंटों की थी और रैम स्लीप कितनी थी वगैरह वगैरह. एंड आई थिंक स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड अ गुड लाइफ एंड बी हेल्दी. एंड सेकेंड वियर्ड चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको. तो आज मैं इस वेइंग मशीन को सेटअप कर रही थी और ये वेइंग मशीन जो है आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाती है. ये बहुत टाइम से है मेरे पास बट आज तक मैंने कभी इसे सेटअप नहीं किया. एंड हु वुड हैव थॉट कि एक वेइंग मशीन पे खड़े होने से आपको अपनी बॉडी के बारे में इतना सारा डेटा मिल सकता है. तो ये मुझे काफी कूल लगा. तो गाइज मैं अभी थोड़ी देर के लिए ऑफ कैमरा चली गई थी नहाने के लिए क्योंकि मैंने सुना है कि अगर आपको अपना दिन अच्छा स्टार्ट करना है तो नहा के पूरा तैयार होकर काम करने बैठना चाहिए. तो अब जो मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ गाइज मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है. मुझे अपने आप को इतना कोसने का मन नहीं कर रहा है. ऑल्दो या कल से शायद जल्दी उठना शुरू कर देना चाहिए. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के बारे में. और क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ब्रांड बिल्डिंग एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है हर किसी के लिए क्योंकि आपका पर्सनल ब्रांड सोशल मीडिया पे अगर हो तो इट जस्ट गिव्स यू एन एज इन द रियल वर्ल्ड ऑल्सो. क्योंकि आजकल बहुत सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस, जॉब एप्लीकेशंस, कॉलेज एप्लीकेशंस आपके सोशल मीडिया को भी चेक करती हैं कि आपकी हॉबीज क्या है, आपकी लाइक्स क्या है, आपकी डिसलाइक्स क्या है. तो मेरी फ्रेंड है बहार जो एक आर्किटेक्ट है और कल रात को मेरी उससे बात हो रही थी. एंड इंसिडेंटली शी इज द वन हु इज ऑल्सो डिजाइंड आवर रूम. सो हाय बहार अगर तू ये वीडियो देख रही है तो उसने मुझे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सोशल मीडिया पे मुझे पोस्ट करना बहुत अच्छा लगता है बट मुझे ऐसा भी लगता है कि ये मेरे करियर के लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ. तो मैंने उसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि ऐसा सोच कि तू एक रिक्रूटर है एंड तेरे पास 2 जॉब एप्लीकेशंस हैं एंड बोथ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट 1 एंड कैंडिडेट 2 आर इक्वली क्वालिफाइड. एंड लेट्स अज्यूम कि उन दोनों के जाके तूने सोशल मीडिया चेक किए. एक का इंस्टाग्राम पे कोई एक्टिविटी नहीं है, नो एक्टिविटी, नो फॉलोअर्स, नो पोस्ट्स, नथिंग. एंड दूसरे की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, लाइक द सेकेंड कैंडिडेट हैज़ गुड इनफ एक्टिविटी. देखो एटलीस्ट उसकी प्रोफाइल देख के पता चल रहा है कि उसने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उसके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, हॉबीज़ क्या है. एंड जो हॉबीज़ उसने एक्चुअली अपने रेज्यूमे में मैंशन की हैं आर दे रियल और नॉट. तो लेट मी नो इन कॉमेंट्स बिलो कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2 हु विल बी मोर अपीलिंग टू यू. बट बहार ने मुझे आंसर दिया कि कैंडिडेट 2 विल प्रोबेबली बी मोर अपीलिंग टू हर. इस चीज को ध्यान में रखते हुए आई फील लाइक कि पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग सोशल मीडिया पे हर किसी के लिए रेलिवेंट है आज की डेट में. एंड अगर आप नहीं मेंटेन करते अपने अकाउंट्स तो करना शुरू कर दो क्योंकि आपको इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उससे. बट अब आते हैं इस डिस्कशन के पार्ट 2 पे कि सोशल मीडिया मेरी लाइफ में कैसे रेलेवेंट है और कैसे मैंने एक पूरा बिजनेस सेटअप किया है सोशल मीडिया के थ्रू. पर ये बातें करने से पहले मुझे कुछ छोटे छोटे काम करने हैं. तो गाइज ये है हमारा स्टूडियो बैकड्रॉप का स्टैंड. मतलब यहाँ पे एक बैकड्रॉप आएगा जिसके सामने हम लोग खड़े होके वीडियो शूट, फोटो शूट वगैरह कर सकते हैं. तो इस स्टैंड को भी मुझे सेटअप करना है.
तो अभी थोड़ी देर पहले ना मैं इस कर्टन को आयरन कर रही थी और ये कर्टन बहुत ही ज़्यादा लंबा है। मैंने ये गलती से अमेजोन पे ऑर्डर कर लिया, वैसे एक चार्ट पेपर रोल होता है जो बैकड्रॉप की तरह यूज़ होता है, बट मुझे वो नहीं मिला, मुझे एक पर्दा मिल गया। एंड अनफॉर्चुनेटली इसका जो सेलर था ना, उन्होंने रिटर्न के लिए इसके पीछे बस एक एड्रेस छोड़ा है और कोई होम पिकअप अवेलेबल नहीं है इस प्रोडक्ट के लिए। तो 2 महीने से ये मेरे घर पे पड़ा है और आयरन करते करते इसे मेरा एक हाथ का एक पोर्शन भी जल गया और ये आयरन करने के बावजूद भी इसकी क्रीजेस नहीं निकली। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी बैड परचेज, बट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग इट एनी वे टूडे। हो गया। पर्दा पार्ट 1 इज सेट अप। अब बस मुझे इसकी हाइट इंक्रीज करनी है स्टैंड की ताकि मैं इसके सामने खड़ी हो पाऊँ। यहाँ पे टक करके हाँ इसको यहाँ ऐसे। तो मैं बताती हूँ कि मैं ये पूरा सेटअप क्यों कर रही हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे रहती हूँ काफी ज्यादा एंड मैं देख रही हूँ कि आजकल लॉकडाउन के टाइम पे काफी सारे क्रिएटर्स बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए स्पेसिफिकली, जो बहुत ही क्रिएटिव होती हैं। तो मैंने भी एक आइडिया लगाया कि चलो आज कुछ नया क्रिएटिव शूट करते हैं। और मैंने एक आइडिया लगाया टाइप्स ऑफ ट्रैवलर्स की वीडियो टाइप का बनाने का। मैंने उसे एक अच्छा सा फनी ट्विस्ट दिया है, लेकिन आपको फाइनल वीडियो इंस्टाग्राम पे देखनी पड़ेगी। तो अभी मेरी त्वेशा यहाँ पे हेल्प कर रही है, त्वेशा माय सिस्टर, वो मुझे एक आउटफिट के साथ हेल्प कर रही है। ये केरला का सेट मुंडू है जो मैंने केरला से खरीदा था लास्ट ईयर। त्वेशा मुड़के दिखा कैसे लग रही है। तो ऐसे रफली बना लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है यार, रफली पहनने के बाद भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। तो ये है वो सारी कैटेगरीज जिसके लिए हम लोग आउटफिट्स अभी डिसाइड करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ वर्क। मुझे लिटरली 15 कैटेगरीज चाहिए, अभी सिर्फ 14 हुई है, मुझे एक और चाहिए 15, क्योंकि जो आइडिया मैंने लगाया है उसमें 15 कैटेगरीज होनी चाहिए। हमारा बैकड्रॉप हो चुका है सेटअप और लाइट भी सेटअप हो चुकी है ताकि इस पूरे रूम की लाइटिंग जो है चेंज ना हो बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने स्टूडियो लाइट ऑन की है और इसके साथ साथ हमारी प्लानिंग, आउटफिट सब कुछ डिसाइड हो चुके हैं। सो वी आर रेडी टू स्टार्ट शूटिंग द वीडियो। If I got a dollar for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, alive. But you didn't know me, all you wanted was a game to play. And you couldn't handle that I had no ways about your mind tricks and your side chicks. I'm a winner, babe. But you didn't win this, it's a part of the game. Guys, I'm in mid-shoot and it's so much. एक्सटेंसिव शूट है ये, इसमें मुझे 15 डिफरेंट आउटफिट्स शूट करने हैं। मैं फैशन ब्लॉगर नहीं हूँ, बट आई एम डूइंग अ टाइप्स ऑफ ट्रैवलर वीडियो, थोड़ा सा वर्चुअल गेमिंग के फॉर्मेट में, तो इट्स रियली हिलेरियस। एंड मेरा कैमरा वगैरह सेटअप है इसलिए मैं फ़ोन पे भी ब्लॉग कर रही हूँ, बट अच्छा जा रहा है अभी सो फार। लेकिन बस ये कि एफर्ट बहुत लग रहा है और ऑलरेडी शाम हो चुकी है। ठीक है, डन। मैं काफ़ी थक चुकी हूँ ऑनेस्टली, पर आज के काम में काफ़ी मज़ा भी आया। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो भी शेयर किया इज़ ऑल अ पार्ट, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ माई सोशल मीडिया वर्क। और सोशल मीडिया को मैं अपनी जॉब क्यों कहती हूँ, क्योंकि जितनी भी फोटोज़, स्टेटमेंट्स, वीडियोज़, इंस्टाग्राम पोस्ट, IGTV वीडियोज़, यूट्यूब वीडियोज़, जितना भी मेरी तरफ से सोशल मीडिया पर जाता है, दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ द मल्टी मीडिया दैट आई पोस्ट ऑन माई बिहाफ। एंड मेरा काम एक स्मॉल स्केल पे एक मीडिया कंपनी जैसा है इन दोज टर्म्स आई थिंक, बट उसकी जो फेस हूँ वो मैं खुद हूँ। सो आप ऐसे कह सकते हैं दिस इज़ लाइक अ पर्सनल ब्रांड मीट्स मल्टी मीडिया। गुड मॉर्निंग। आज मैं उठ गई 9 बजे, जो कल के हिसाब से 2 घंटे जल्दी है। सो आज मुझे सुबह उठ के काम करने की बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि कल हमने इतनी मेहनत से शूटिंग की है। मेरे काम में एक बहुत बड़ा कॉन है कि आपको मोटिवेशन खुद से ढूंढनी पड़ती है काम करने की, क्योंकि आपके सिर पे कोई बैठ के आपको बताता नहीं है कि क्या करना है। हर दिन की प्लानिंग, कि इस दिन क्या करना है, हर दिन का काम,
काम होगा क्या, इस चीज की भी प्लानिंग आपको खुद ही करनी पड़ती है। बट एक बहुत बड़ा प्रो मेरे काम का बस ये भी है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि किसी दिन उठ के मुझे कोई ट्रैवल प्लान बनाना है, कहीं जाना है, मुझे बाइकर गर्ल बनना है या फिर ट्रैकिंग करने निकलना है या फिर कोई वीडियो शूट करनी है, कैसे शूट करनी है, कहाँ शूट करनी है, आपको सिली होना है, आपको हैप्पी होना है, आपको खुश होना है, सैड होना है, टीवी सीरीज बिंज वॉच करनी है या काम करना है, ये सब मैं खुद से प्लान कर सकती हूँ जब भी मैं चाहूँ, जैसे भी चाहूँ। इस सब का क्रिएटिव फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों पे रिलाय करता है, डिपेंड करता है। तो आज हमारे दिन में तीन टास्क हैं मेजरली। एक तो हमें कल की वीडियो एडिट करनी है इंस्टाग्राम वाली, हमें ये ब्लॉग एडिट करना है यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए, और तीसरा एक मेरी पुरानी सीरीज चली आ रही है अमेरिका से, उसकी मुझे एक वीडियो एडिट करनी है। बट आप हमेशा सोचते होंगे कि इस काम से आफ्टर ऑल इनकम कैसे जनरेट होती है, कि ठीक है आपने शूट कर ली वीडियोस, आपने बना लिए ब्लॉग्स, लेकिन इनकम कैसे जनरेट हो रही है आपकी कि आप ये काम करने के लिए मोटिवेटेड हो भी। क्योंकि सच कहूँ तो चाहे कोई कुछ भी कह ले, हर किसी की लाइफ का एम होता है कि उन्हें प्रोग्रेस करना है और उन्हें पैसे कमाने हैं, एंड उन्हें वो कंफर्ट चाहिए ये जानने का कि हाँ हम लोग अपने काम से पैसे कमा पा रहे हैं। सो यूट्यूब पे भी ऑब्वियसली अर्निंग्स होती हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, एंड बहुत सही अर्निंग्स होती हैं ऑनेस्टली, जो बहुत सारे क्रिएटर्स डिस्कस नहीं करते आउट ऑफ प्राइवेसी रीजंस ऑब्वियसली। अगर आप नोटिस करेंगे कि कोई भी जो सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करता है उनकी कोई रीच होती है, कुछ फॉलोइंग होती है, कुछ इन्फ्लुएंस होती है, मोस्टली अगर आपके पास एक रीच है, कम्युनिटी है, तो उस रीच को यूटिलाइज करने के लिए कुछ ब्रांड्स, कुछ कंपनीज आपके साथ काम करना पसंद करती हैं स्पेशली, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स, अपने कंपनी के बारे में आपके थ्रू एडवर्टाइज कर पाए, जिसे हम लोग स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स कहते हैं। आई थिंक ज़्यादातर क्रिएटर्स की इनकम स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू ही होती है। तो ये मानो कि अगर आपकी अच्छी खासी इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंस है, तो आपको एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट करने के लिए लाखों रुपए भी मिल सकते हैं। एंड अगर आप एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट से इतना कमा पा रहे हैं, तो सोचो अगर मैं साल के 7 स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी करूंगी, तो दैट इज एज गुड एज माई फर्स्ट जॉब पैकेज। एंड ऑब्वियसली एक साल में 7 स्पॉन्सर्ड पोस्ट है तो ज्यादा ही होते हैं, तो आपकी अर्निंग्स अच्छी खासी हो जाती हैं। मेरी पर्सनली एक कंपनी है जो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, और उस कंपनी में जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसके ऊपर बकायदा टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, GST पे करना पड़ता है, एंड अकाउंट शीट मेंटेन होती है पूरी। सो इट्स क्वाइट नाइस, मतलब मुझे एक पूरा कंपनी रन करने का भी एक्सपीरियंस हो रहा है, साथ साथ फाइनेंसिस का एक्सपीरियंस हो रहा है, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो रहा है, और ये सब सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू। एंड ये एक बहुत अच्छा टाइम है जब हम सबको अपने पर्सनल ब्रांड और अपने सोशल मीडिया के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन बी लुकिंग डाउन एट एनी मोर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे एक फुल टाइम जॉब मिल रही है, एक रेवेन्यू मिल रहा है, अपनी कंपनी रन करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो इट्स अमेजिंग। तो काम के सिलसिले में तो काफी कुछ चलता रहता है, बट ये बस एक उसका छोटा सा ग्लिम्स था। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग, एंड इफ यू डिड गो अहेड एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग कॉन्टेंट क्रिएटर्स, ऑल्सो लाइक तो बोल दिया, कॉमेंट डाउन बिलो, येस, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर व्लॉग, और आप शायद बहुत ही जल्दी US सीरीज की वीडियो भी देखने वाले हैं। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।